हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए सख्त तरीन कानून की तैयारी की जा रही है। ई तहफ्फुज़ बिल के मजीद अहम नुकात सामने आ गए हैं। ई सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और जुर्माने हो सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे। नुमाइंदा GNN असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर हयात, ई तहफ्फुज़ बिल के मजीद क्या अहम नुकात हैं? बिल के मजीद नुकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर जो गलत और मसख शुदा और गुमराहकुन मालूमात देने पर कार्रवाई होगी। यूट्यूब वेब चैनल्स और वेबसाइट्स पर गलत मालूमात देने पर ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ब्लॉक हो सकेंगे। इसके अलावा ई सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी से 3 से 5 साल जो है वो कार्रवाई होगी। इलाका मजिस्ट्रेट को किसी भी सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट का दफ्तर सील करने और आलात जब्त करने का जो है वो इख्तियार होगा। यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स और वेब चैनल्स को अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। अदलिया और मसल्ला अफवाद के खिलाफ इल्जाम पर मबनी प्रोग्राम पर जो है वो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मुखालिफ और नफरत अंगेज जो है वो तोहीन मज़हब मवाद जो है वो पाबंदी होगी। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है इस पर किसी भी शख्स की तस्वीर या ज़ाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं हो सकेगी। यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स जो हैं वो वेब चैनल जो है दुरुस्त मालूमात पेश करने के पाबंद होंगे। क्या सालियों पर मबनी और जनबदाराना प्रोग्राम जो है वो नहीं किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया असगर हयात तमाम तफसीलात के लिए।